प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की जमीनी हकीकत को जानना है तो सीतापुर के कजियारा मोहल्ला चले आइए। यहाँ कुम्हार समाज का दुखड़ा आपको सुनाई दे जाएगा। इनका पुश्तैनी धंधा कोरोना काल ने जितना चौपट किया उससे कहीं ज्यादा इनको अपने काम के लिए जरूरत का सामान न मिलने से नुकसान हुआ है। कुम्हार समाज के लिए यह लोग मिट्टी से दिया और मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। दीपावली में इनकी बिक्री होती है जिससे इनका पेट पलता है। कोरोना काल में मिट्टी से बनी वस्तुओं की मांग कम हुई और जब दीपावली में मूर्तियां बनाने की बारी आई तो मांग के अनुरूप मूर्तियों को रंगने के लिए कलर नहीं मिला, जो मिला भी काफी महंगा मिला। अब दुकान लगाने की कहीं जगह नहीं मिल रही है, ऐसे में यह आत्मनिर्भर बने तो कैसे बने। यह हाल तब है जब मोदी के भक्तों ने चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर रखा है। कैमरामैन समीर के साथ विपिन राजवंशी ने मूर्तियां और दिया बनाने वालों का जाना हाल। हम लोग मूर्ति बनाते हैं, कोरोना के चक्कर में मूर्ति की सप्लाई कम है, पहले बहुत ज़्यादा थी, इस बार बिल्कुल कम हो गई। ये 5-6 महीने से यही मूर्ति हम बनाते हैं, ये कई सालन से यहाँ चल रहा है, बाप दादा जमाने से यही काम ही हो रहा है मिट्टी के रहा। कभी ऐसा ना हुआ कोरोना वाला, लेकिन इस साल अब की लई डूबा है सब, समझ लो रंग वंग भी ना मिला रहा है जो पहले से सालों भर वैसे बना रहा है, लेकिन इस डर के मारे माल भी कम बना रहा है और उस हिसाब से ना बिक्री भी डाउन। दिक्कतें अब ज़्यादा यही आ रही है कि बिक्री कम होती है, मिट्टी की मूर्ति की कम होती है, तमाम मेल की आ गई हैं, प्लास्टर है या और तमाम प्लास्टिक की आती हैं, कैलेंडर है की वजह से कम बिकती है। कोरोना का असर बहुत पड़ा, आपकी बिक्री बहुत डाउन है, वैसे अब तक माल बिक जाता था मिट्टी का, अभी बना रखा है और कम भी बनाया तो कलर नहीं मिला जल्दी, कलर मिलता है महंगा मिला, वो ग्राहक कहता है सस्ता दीजिए। पहले ज़्यादा नहीं 10-5 हज़ार की बनाते थे, उसका अब की 5-6 हज़ार की बना पाए, वह बिकी नहीं अभी। ये तो मुद्दत से हमारा बाप दादा ही, बाबा करते थे, उसके बाद पिताजी करते थे, अब तीसरी पीढ़ी हम हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।